Good evening, everyone. Once again, it's time to analyze your beautiful stories. एक पिक्चर जिसमें एक बच्चा रोड पर बैठा है, पढ़ाई कर रहा है और साथ में एक वेइंग मशीन उसके रखी है. पिक्चर इन इटसेल्फ स्पीक्स मेनी थिंग्स, मेनी मोरल्स. एंड आवर किड हैज रिटन वंडरफुल स्टोरीज. लेट मी स्टार्ट विद कृष्णा. योर टाइटल इज द टेस्ट ऑफ सक्सेस एंड द मोरल इज वर्क हार्ड टू रीच सक्सेस. When you have talent and excellence, success will come to you on its own. एक स्टोरी आपने वीव करी है जिसमें एक बच्चा रेलवे स्टेशन पे बैठा है और बेगिंग करके वो अपना काम चला, फैमिली को सपोर्ट करता है. बट ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, स्पेशली इंग्लिश. उसके अंदर से कहीं ना कहीं होता है कि मुझे भी अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए. एंड समहाउ अपनी एक तरफ तो जो उसका डेली रूटीन था, उसके साथ साथ वो अंग्रेजी की कुछ किताबें कहीं से लाकर वो और उस उन किताबों को रेगुलर पढ़ते पढ़ते और दूसरों को ऑब्जर्व करते हुए अंग्रेजी बोलना सीख जाता है. तो वन फाइन डे जब वो भीख मांग रहा होता है एंड ही यूटर्ड सम वर्ड्स इन इंग्लिश, तो जो व्यक्ति है जो उसको दे रहा होता है उसको लगता है कि इस बच्चे के अंदर पोटेंशियल है और उस बच्चे को वो 200 रुपीज देकर ये बोलता है कि बेटा आई एम गिविंग एन आइडिया कि इससे आप मैगजीन खरीदो, आप भीख मत मांगो और इस मैगजीन से एक रोटेशन घुमाओ जिससे आप यू अर्न सम प्रॉफिट. एंड दैट स्मॉल चाइल्ड बॉट दैट आइडिया और उस आइडिया से ना सिर्फ उसने अपनी जिंदगी बदल ली बल्कि अपने आप को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना. वही 4-5 मैगजीन बेचते बेचते प्रॉफिट को रोटेट करते करते ही गॉट दैट आइडिया ऑफ रोटेटिंग दैट मनी एंड रोटेटिंग दैट प्रॉफिट्स. और वो प्रॉफिट्स को रोटेट करके एक बड़ी शॉप लेता है. शॉप के बाद वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है. दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. वेरी गुड राघव, योर स्टोरी स्पीक्स अ लॉट एंड योर टाइटल इज एजुकेशन सिस्टम एंड योर मोरल इज वर्किंग हार्ड ऑलवेज गिव्स यू सक्सेस. आपकी स्टोरी में कुछ ग्रामर्स की थोड़ी बहुत मिस्टेक है बट स्टोरी बहुत अच्छी है. चाइनीज बच्चे की स्टोरी है जो होटल में काम करता है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक होती है. गैराज में काम करता है और रात को गार्ड की जॉब भी करता है, उसके साथ में पढ़ाई भी करता है. इन तीनों कामों के साथ वो अपने आप को एस्टैब्लिश करता है और एक बेंचमार्क क्रिएट करता है कि हार्ड वर्क करने से हम सक्सेस कैसे पा सकते हैं. वेरी गुड स्टोरी. नाउ चेक योर मोरल इज हेल्पिंग अदर्स एंड योर टाइटल इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. एक ऐसे ही गरीब परिवार का बच्चा जब स्कूल जा रहा होता है और रास्ते में देखता है कि एक व्यक्ति ने पर्स ड्रॉप कर दिया है गलती से, तो उस पर्स को पिक करके वो उसको वापस देता है और ही गॉट दैट अप्रिशिएशन कि बेटा आपने वापस किया, इट्स ए वेरी गुड जेस्चर. और जब वो उस व्यक्ति को मालूम होता है कि उस बच्चे की फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको ना सिर्फ उसकी फीस जमा करता है और उसको सपोर्ट भी करता है, हेल्प भी करता है. इट्स ए गुड स्टोरी बट थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग आपकी मिस्टेक्स है, उसको आप ध्यान दीजिएगा बेटा. विनायक, यू हैव रिटन अ वंडरफुल स्टोरी. द टाइटल इज स्टोरी ऑफ एन ऑर्फन बॉय एंड द मोरल इज द पीपल हु वर्क्ड हार्ड विल गेट गुड मार्क्स इन एवरीथिंग. सो एक ऑर्फन बॉय जो अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर देता है, बहुत मेहनत करके एक मशीन लेकर आता है, वेइंग मशीन के सहारे वो थोड़ा पैसा कमाता है और साथ साथ में अपनी पढ़ाई करता है. रियली वर्क हार्ड. वो कुछ बुक्स लेकर आता है और वो बुक्स के साथ साथ पढ़ते पढ़ते अपने आप को एलिवेट करता है उस लेवल तक कि वो IAS का एग्जाम भी क्लियर करता है. दैट्स अ गुड स्टोरी बट इसमें भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं. यू हैव टू वर्क ऑन दैट स्पेलिंग राइट. रुद्रांश कपिल योर स्टोरी इज ऑल्सो वेरी गुड. द टाइटल इज ब्रेकिंग थ्रू बैरियर्स एंड द मोरल इज योर पैशन एंड डिटर्मिनेशन हेल्प्स यू टू ब्रेक द बैरियर्स एंड गिव सक्सेस इन योर लाइफ. गुड मोरल. एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स को बचपन में ही उसके पेरेंट्स चले जाते हैं उसको छोड़ के एंड वो बहुत मेहनत करता है एंड उसका पैशन होता है पढ़ना बट उसकी प्रेजेंट सिचुएशन वॉज नॉट अलाउइंग टू कंटिन्यू हिज स्टडीज. लेकिन वो अपनी होप को नहीं छोड़ता. वो कहीं से भी कोशिश करता है, गार्बेज इकट्ठा करता है, वो गार्बेज से धीरे धीरे करके उसको रिसाइकिल करके
कुछ पैसा कमाता है, उस पैसे से वो एक वेइंग मशीन लाता है, उस वेइंग मशीन के सारे वो अपनी इनकम जनरेट करता है और साथ साथ पढ़ाई भी करता है, एंड फाइनली ही अचीव ग्रेट सक्सेस इन लाइफ. सो इट्स अ गुड स्टोरी यू हैव रिटन, वेरी कनेक्टिंग स्टोरी. एंड रिधिमा, यू हैव ऑल्सो रिटन अ गुड स्टोरी. Your title is Dreams Become True, and your moral is don't give up in any condition, in any circumstances. Raman, Bangalore based ek bachcha, wo apni present condition ke saath mein wo bada hard work karta hai, uske saath mein bhi financially bahut dikkat hoti hai, wo weighing machine ke through कुछ पैसे अर्न करता है, उस पैसे से पढ़ाई भी साथ में करता है और साथ साथ में अपने आप को, अपने लेवल को भी एस्केलेट करता है. सो आई थिंक आप सब लोगों ने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है और सबकी स्टोरीज में एक हार्ड वर्क को एम्फोसाइज किया. वरिका, यू हैव ऑल्सो रिटन अ वेरी गुड स्टोरी. इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टोरी यू हैव रिटन, वेरी क्रिस्प. बर्न द मिडनाइट ऑयल, दैट्स द टाइटल, एंड द मोरल इज हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. एक बच्चा सफिन हसन जो गुजरात में रहने वाला है और अपने स्कूल में पढ़ता, जो बहुत ही छोटा सा एक स्कूल होता है, बट एक दिन जब एक आईएएस ऑफिसर उनके स्कूल में विजिट करते हैं तो उन आईएएस ऑफिसर को पूरे स्कूल का स्टाफ, उनके प्रिंसिपल, उनका ओनर, सब लोग उनकी ऑनर में लग जाते हैं. सो ही वॉज वेरी सरप्राइज, ऐसा क्या हुआ कि सारे लोग इनको इनके आगे पीछे घूम रहे हैं. अपनी आंट से आके पूछता है कि आज हमारे स्कूल में एक आईएएस आए थे और उनको इतना लोग क्यों सम्मान दे रहे थे. तो उनकी आंट ने उनकी आईएएस की पोजीशन के बारे में बताया, डिस्क्राइब किया, तो वहां से उस बच्चे को आइडिया क्लिक किया एंड फाइनली वो बच्चे ने अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाया कि लोग उसको ऑनर करें. सो बच्चे कहीं ना कहीं से आइडियाज को देखते हैं, पिक करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं एक दूसरे से और अपने हार्डवर्क कर. अनुश्री, यू हैव रिटन अ वंडरफुल स्टोरी एंड यू ऑलवेज राइट स्टोरीज विद इन-डेप्थ इमोशंस. वेरी गुड स्टोरी यू हैव रिटन. योर टाइटल इज डार्कनेस कैन नेवर स्टॉप सनलाइट एंड योर मोरल इज वी शुड नॉट लूज आवर पेशेंस ड्यूरिंग हार्ड डेज. अब एक आपने जो स्टोरी वीव करी उसमें एक छोटा सा बच्चा, तरुण, 7 साल का बच्चा, जो बहुत ही गरीब फैमिली का है और वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इमोशन होता है कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो वो उनकी फाइनेंशियली उस फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सेकेंड हैंड वेइंग मशीन लेकर आता है और उससे कुछ पैसे अर्न करता है, साथ में अपनी पढ़ाई करता है और धीरे धीरे करके वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता है और अपनी हार्ड वर्क के थ्रू एक दिन जब वो बड़ा होता है और वो आईएएस एग्जाम क्लियर कर लेता है. तो दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी यू हैव रिटन, वेरी कनेक्टिंग स्टोरी एंड वेरी इमोशनल स्टोरी. वेरी गुड अनिश्री. एंड लक्ष्य, यू हैव ऑल्सो रिटन अ वेरी गुड स्टोरी. योर टाइटल इज वंडर्स ऑफ माई हार्ड वर्क एंड योर मोरल इज इफ यू हैव एम इन योर लाइफ देन डिवोट एवरीथिंग टू अचीव योर एम. कितनी भी मुसीबत आए लेकिन हमें हारना नहीं चाहिए. वेरी गुड स्टोरी. एक राजू लड़का होता है और राजू वॉज वेरी गुड इन मैथ्स एंड बट उसके साथ में चैलेंज क्या होता है, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी वीक रहती है, बट समहाउ वो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ काम भी करता है, साथ साथ में अपनी मैथ्स को साथ साथ रखता है. वो हमेशा मैथ्स की एक बुक साथ रखता है, जब भी उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है वो करने लगता है. Somehow one fine day somebody noticed him doing some tough calculations very easily, very quickly. So वो उसको support करने के लिए मन बनाता है और उसको finally वो बच्चा IIT qualify करता है. So हमारी life में जब हम hard work करते हैं हमको कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से कोई connecting link मिलता है. So कभी भी हमें अकेला नहीं सोचना चाहिए. हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में ईश्वर ने एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा है जहां पर जब भी अगर हमारे अंदर कुछ पोटेंशियल है, सो कहीं ना कहीं, नॉट टुडे बट टुमारो इन आवर लाइफ वी विल गेट सम कनेक्टिंग लिंक एंड दैट कनेक्टिंग लिंक कैन टेक एस्केलेट आवर लेवल टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है. ये स्टोरीज बहुत अच्छी थी और इन सभी स्टोरीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज हार्ड वर्क. जिस टाइम हम हार्ड वर्क करते हैं उस टाइम पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल, ऑब्जेक्शंस, नोज, रिजेक्शंस, बहुत सारी मुसीबतें हमारे सामने आती हैं. कुछ लोग उनसे हार जाते हैं
और हार्डवर्क करना छोड़ देते हैं, लेकिन जो हारते नहीं है वो उस पानी की बूंद की तरह होते हैं जो रोज एक पत्थर पे पड़ती है लेकिन लगातार पड़ती है, और एक दिन वो बूंद ही जीत जाती है और वो पत्थर को तोड़ देती है। हकीकत यह है कि आप सबके पेरेंट्स आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, आपकी स्कूल की फीस जमा करने के लिए, आपकी ट्यूशन फीस जमा करने के लिए, आपकी बुक्स लाने के लिए, आपकी ड्रेसेस लाने के लिए और आपकी छोटी छोटी उम्मीदें पूरे करने के लिए। वो पैसे कभी नहीं कहते आपसे कि आप जाके कमा के लाइए, आपसे नहीं कहते कि आप घर में काम कीजिए। आप इस लॉकडाउन की सिचुएशन में समझ पा रहे होंगे कैसे मम्मी घर की सफाई करती हैं। जब आपने घर की साफ सफाई करने का आपने अपने पेरेंट्स को सपोर्ट किया होगा तो उस टाइम पर आपको ये रियलाइज हुआ होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। इन स्टोरीज में आपने एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट लिखी है, वो है फाइनेंशियल कंडीशन सब बच्चों की बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो बच्चे सड़क पर बैठकर कहीं ना कहीं फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसे अर्न करते हैं और अपने एम्स को अचीव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए पैसे कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हमें उनको रेस्पेक्ट देने के लिए अपनी पढ़ाई को बहुत ऑनेस्टी से करना चाहिए। अगर हम अपनी पढ़ाई को ऑनेस्टी से करते हैं तो हम अपने पेरेंट्स की मेहनत का एक सही उनको रिवॉर्ड दे पाएंगे, क्योंकि आप लोग जब बड़े होके आईएएस बनोगे, आप लोग अपनी मेहनत से, क्योंकि आपकी सिचुएशन वो नहीं है कि आपको सड़क पे बैठना पड़े, आपकी सिचुएशन आपने एक बटन दबाया फैन ऑन हो गया, बटन दबाया एसी ऑन हो गया, कूलर आपके सामने रखा हुआ है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टोरीज के माध्यम से आपके अंदर ये जागृत कर पाना कि कितनी मेहनत से आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई को बहुत प्रायोरिटी से आपको लेना है और एक दिन अपने आप को बहुत बड़ा इंसान बनके दिखाना है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।